हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर हम लोग का बेहद ही खास, बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड रिलेटेड टू क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक। चैप्टर का नाम है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसके दो पार्ट है, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर नंबर 8 है हम लोग का क्लास 12 का विस्तास बुक। सेकंड टर्म जैक बोर्ड अगर झारखंड से होंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट, इसका फर्स्ट पार्ट हटा दिया है, जो कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जो फर्स्ट पार्ट है उसको हटा दिया सिलेबस में। यही पढ़ना हम लोग को सेकंड टर्म में, सेकंड सिलेबस में, और बेहद ही खास चैप्टर में दोस्त। इसके बारे में जानेंगे तो हम लोग को रियलाइज होगा कि हम लोग का हिस्ट्री में क्या था, कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसके कारण इस चैप्टर को लिखा गया। एक चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है, खुद से लिखा हुआ, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवनी के बारे में बताए हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ। इसमें जो दोनों स्टोरी है दोनों के बारे में डील नहीं करेंगे, सेकंड वाले के बारे में डील करेंगे। और दोनों के दोनों ऑटोबायोग्राफी है, और दोनों बचपन से लिया हुआ, बचपन के रियल लाइफ में कोई घटना घटा उसी पर लिया लिखा गया, मतलब नोवेल लिखा गया है। और नोवेल से एक छोटा सा एक्सर्ट खंड, जो टुकड़ा छंद जिसको बोलते हैं ना, तो उसको लिया गया है। तो एक्सर्ट है, एन एक्सर्ट फ्रॉम द क्या है, करुकू, करुकू नाम है, मतलब नोवेल है। इस नोवेल से एक्सर्ट लिया गया है, इस 1992 में इसको पब्लिश हुआ था, उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया गया है। उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, चैप्टर का नाम है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिटन बाय बामा। बामा कौन थी? बामा एक राइटर थी, एक टीचर थी। उन्होंने कहाँ की थी? तमिल, मतलब उनका फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए ना तो रोमन कैथोलिक फैमिली से, साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी। एंड दलित फैमिली, दलित फैमिली नहीं, दलित मतलब क्या बोल, दलित कास्ट बोलिए। फैमिली तो रोमन कैथोलिक फैमिली हो गया, एंड दलित कास्ट हो गया, तो दलित कास्ट जिसको मतलब कि हम लोग थोड़ा सा लो कास्ट, लोअर कास्ट जो बोलते हैं ना, तो यही तो बहुत बड़ा समझिए कि जो कास्टिज्म है भारत में, या पूरा इंडिया में, इंडिया भारत में जो कास्टिज्म है, इसी को तो ख़त्म करना है। अब मैं तो बहुत विरोध करता हूँ, जातिवाद का सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँ, हमको बहुत ही बुरा लगता है। और हम लोग सब कोई मानव है, वही कहते हैं भी कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव है, दलित है तो क्या हुआ, एसटी एससी ओबीसी, देखिए गवर्नमेंट भी है ना, सरकार हम लोग को वो भी बांट दिया है, एसटी एससी की रिजर्वेशन देंगे, छूट देंगे, उसके कारण जाति बांट दी। और जातियाँ बांट दिए तो सरकार ही क्या करे, जातिवाद अलग अलग कर दी। अब उसको करना चाहिए कि नहीं, सबको इक्वल हटाना चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ही ऐसा कर दी तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग को हटाना है, कैसे हटेगा, बाय द एजुकेशन, शिक्षा से ही जातिवाद हटेगा, और जातिवाद का हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझदार होते जाएंगे, जातिवाद धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। जैसे कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी आज खत्म हो चुका है, उसी प्रकार जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। मतलब उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा, हम लोग को स्टडी करना होगा, स्टडी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ज़्यादा देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो को शॉर्ट बनाना है, एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट, समरी बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आशुतोष कुमार, ये सब का डिटेल लिख दिए, ठीक है। देखिए थीम बताते हैं चैप्टर का, थीम क्या है फिर बताएंगे स्टोरी, स्टोरी बताएंगे, पहले थीम समझिए। राइटर बामा, ठीक है, बामा दलित फैमिली से है, रोमन कैथोलिक मतलब क्या बोलते, फैमिली बोली, दलित कास्ट हो गया, याद रखिएगा। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस अब स्टार्ट करते हैं, थीम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थीम में क्या है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। इसमें कह रहा है कि हम लोग भी क्या है ना, एक ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव है, और जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है हम लोग का ना, उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे कि क्या क्या इसमें है, क्लास बैरियर, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन दैट टेंड्स टू पुल देम डाउन, वैसे वैसे शोषण जो उन लोग को पीछे करता है, तो वैसे वैसे शोषण, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है, इसी सब पे जो हम लोग को अपोजिशन, जो अपोज किया जा रहा है, विरोध मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेस किया जाता है, दबाया जाता है छोटे जाति को, नीच जाति को, होता है ना, इसी का जो कंडीशन को झेलते हैं, उसी कंडीशन के बारे में बताता है कि हम लोग भी ह्यूमन हैं, हम लोग पैसा न किया जाए। तो एक घटना घटा था बामा के लाइफ में बचपन में, वही घटना से इनका लाइफ में चेंजिंग आया, वहीं से इंस्पायर होकर एक बुक लिखे, और वही जो बुक नोवेल के रूप में 1992 में पब्लिश हुआ। एंड बामा का जन्म हुआ था 1958 में, याद रखिएगा, लेकिन जो बुक का पब्लिश हुआ 1992 में, करुकू नाम है, करुकू, और उसी का एक शर्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बामा क्या थी, जब क्लास 3 में पढ़ती थी, ओनली स्टैंडर्ड 3rd, कौन क्लास में,
थर्ड क्लास में पढ़ती, तो उसी समय का घटना है। तो उसी समय क्या हुआ ना, बचपना उनका जो था बहुत ही मतलब खुशी से बीतता था, हर कोई के बचपना खुशी से बीतता है, लेकिन उसके बाद जो सीरियस हुई घटना सुनेंगे उसके बाद, कैसे वो अपने लाइफ में सीरियस हो गई और देखिए क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देखिए हमेशा वो स्कूल जाती थी, स्कूल से और उनका जो डिस्टेंस है घर का मात्र 10 मिनट का था, 10 मिनट में चाहते तो घर से स्कूल चले जाते, लेकिन कभी 10 मिनट में नहीं जाते थे, हमेशा उनको आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, मतलब कि 45 मिनट तक लग जाए, लेकिन 10 मिनट कभी नहीं लगा था। रास्ता था 10 मिनट के, लेकिन टाइम लगता था ज़्यादा। ऐसा क्यों लगता था कि देखिए रास्ते में जब आते थे ना स्कूल से, जब घर आते थे तो बहुत सारे अट्रैक्टिव जो उन लोग का फिगर देखने को मिलता था, जैसे कि चित्र देखने को मिलता था, या फिर कुछ प्रैक्टिस होते जैसे कि बंदर का नाच है, मदाड़ी वाला दिखा रहा है, तो बुक में उसका नाम देखिएगा पढ़िएगा प्रदिया, मंदिर है, टेम्पल्स है, सैलून है, तो कहीं पर कोई नाच कर रहा है, तो कहीं पर बाजा बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब सारे अट्रैक्शन जो होता था ना, तो कहीं पर दिखाया जाता था कि यहाँ पर क्या मिठाइयाँ बंट रहे हैं, या कहीं कहीं नेता लोग आकर अपना भाषण देते रहते थे, तो भाषण मतलब कुछ कुछ सुनते रहती थी, और जो रास्ता में जो जो एक्टिविटी होते रहता था, हम लोग भी कभी कभी रास्ते में कुछ होते रहता तो रुक कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो वैसे ही कुछ भी होते रहता था रास्ते में, तो देखते घूमते मौज मस्ती करते करते आराम से आती थी। कभी भी उनको जो भी जादूगर वगैरह दिखाते रहता था वहाँ पर चार मैसे दिया वर्ड, तो वही सबको देखते रहती थी, और कभी भी 10 मिनट में घर नहीं आई थी। एक बार के बात है मेरे दोस्त, जब लाइफ में चेंजिंग आया इनके, वो बात क्या था ना, आ तो रही थी स्कूल से घर, और उस समय एक सीन देखती है। सीन क्या होता है ना कि पूरा एकदम जो गांव में खलिहान समझते हैं, खलिहान, खलिहान का सीन चलते रहता है, उसमें जो दो बैल होते हैं, बैल के साथ जो क्या खलिहान में सब कुछ व्यवस्था, जैसे कि धान पुआल अलग अलग होता है ना, वही सिस्टम चल रहा था। देखते हैं कि जो गाय बैल जो होता है ना, मुंह में से जो मास्क हम लोग लगाते हैं तो उन लोग का लगा हुआ रहता है कि माटी वगैरह नहीं खाए, तो वही सब देख रहे थे, तो बहुत अच्छा उसमें सीन लग रहा था, और जो खलिहान का दृश्य था गजब, एकदम इम्प्रेस हो गए कि वाह कैसा कैसा सीन है, यही सब देख रहे थे माइंड में, वो आ रहे थे धीरे धीरे। एक और बेहद ही खास घटना वहीं पर घटता है, अब यही जो लाइफ में चेंजिंग लाता है, कैसे, एक देखते हैं जो इल्डर आदमी, एक बड़े आदमी, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के रिलेटिव, मतलब रिलेटिव नहीं, मतलब उन्हीं के गांव के एक बुजुर्ग आदमी, हाथ में एक क्या पूरा हट्ठा कट्ठा ताकतवर थे, लेकिन हाथ में जो झोला थैला था वो थैला में बधाई लेके आ रहे, तो बधाई उनको देखने से लगा कि इसमें बधाई होगा या फिर कुछ खाने का, वैसा साउथ इंडियन का एक बधाई फेमस फूड है, तो उसी टाइप का लगा कि वही होगा, और थे तो हट्ठा कट्ठा लेकिन ऐसे लिए हुए थे, लग रहा था कि उनसे उठ नहीं रहा, इसे अलग करके, अभी देख कर बहुत हंसने लगी, इनको बहुत मजा आया कि अरे बाप रे इतना हट्ठा कट्ठा पहलवान आदमी है और ऐसे करके लिया हुआ, बड़ा मैंने कॉमेडी टाइप के लगा, बड़ा इंजॉय किया उसको बड़ा एकदम। उसके बाद देखी क्या कि जो आदमी गया ऐसे करके बधाई लिया होता, देखें थंबनेल में ना, ऐसे गया ऐसे ऐसे जाके और लैंडलॉर्ड के सामने दे दिया, लैंडलॉर्ड जमींदार जो होते थे पहले, देखिए भारत में जमींदार लोग जो अंग्रेज के थे ना, उन्हीं लोग जमींदार को पब्लिश करते थे, मतलब जमींदार को बुलाते थे, रखते थे, पैसा खुद देते थे, ज़्यादा जमींदार इंग्लैंड के ही रहते थे, मैंने अंग्रेजी लोग, लेकिन भारत के भी कुछ कुछ जमींदार सब कुछ होते थे, लेकिन सब अंग्रेज के कंट्रोल में होते थे, किसान से खेती करवाया जाता था और उसी के किसान का भी खेत है ना, तो उसको उसी में काम करना है, तुमको रेंट मिलेगा, तुम्हारा अपना जमीन नहीं है, बहुत कुछ होता था। अरे दलित लोग के मत कहिए, बहुत मैंने बुरा स्थिति था, पढ़िएगा हिस्ट्री से, मतलब बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दलित एगो हम घटना सुने थे, हम लोग का सर बता रहे थे कि दलित में ऐसा होता है ना कि एगो जो नीचे का जाति था, अगर राजपूत या कोई बड़ा कास्ट का क्षेत्रीय जो पहले जो होता है ना रथ वगैरह जाता था, पार होता था ना, तो जो कास्ट में जो नीचे का कास्ट का देख लेता था कि अरे उनका मतलब कि जो गाड़ी आ रहा है, तो एक पैर पर ऐसे करके हमेशा के लिए खड़ा रहता था, जब तक कि उनका वाहन वहाँ से चला ना जाए तब तक उसका पैर नहीं नीचे हिलना चाहिए, अगर पैर नीचे हिल गया तो मार के चाबुक से एकदम, और पूरा मांस मतलब कि खाल जो है ना उबेर लिया जाता था, खाल को हटा लिया, मार चाबुक से मार मार कर, बहुत ही बुरा कंडीशन था। पढ़िएगा हिस्ट्री में तो बहुत कुछ मिलेगा, अभी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पर रुकते हैं। तो देख इनको बहुत मजा आ रहा था, देख रहे थे कि वाह वाह कैसे एकदम है, तो हटा का था लेकिन एकदम कॉमेडी टाइप कैसे करके जा रहा है, बहुत मजा दिया, और लैंडलॉर्ड के सामने जमींदार के सामने ऐसे करके दे दिया, अलग से ही टच नहीं होने दिया, और टच नहीं होने दिया, इनको क्या पता था कि अनटचेबिलिटी क्या था, इतना ही गलत चीज बुरा चीज था मेरे दोस्त। आज खत्म होने वाला है, बहुत खुशी की बात है कि आज अनटचेबिलिटी धीरे धीरे खत्म, अभी भी गांव देहात में है लेकिन अब बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन जहां जहां बढ़ने लगा धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा, शिक्षा एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं
एक हम लोग के शक्ति समझिए कि पावर जो मिल चुका है, शिक्षा जिसको जिसके अंदर है सब कुछ, उसका जीवन लाइफ एकदम समझिए कि चेंजिंग हो जाएगा, सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो देखे ठीक है, देखे तो वैसा वैसा हो रहा था घटना। अब इनको मजा दिया कि वाह, उसे दे दिया ठीक है, और लैंडलॉर्ड अपना क्या उसमें निकाल के खाना खाने लगा। ये गए घरे घरे, हम लोग कोई अच्छा घटना घटता है तो हम लोग बात शेयर करते हैं किसी से, अपने भैया से बात को शेयर की। उनके भैया एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, छात्र थे, बड़े थे, इलर ब्रदर थे। हम लोग भी कोई अच्छा अच्छा बात रहता है तो शेयर करते हैं, मेरे क्लास में कुछ डिस्कशन हुआ तो दोस्त से या किसी से क्या जैसे हुआ ऐसे हुआ, तो वही डिस्कशन जो रास्ता का था अपने भैया से डिस्कशन किए। बोले कि भैया को बहुत खुशी होगा पता है सारा घटना, लेकिन उनके भैया को थोड़ा सा भी मुस्कान चेहरा पर नहीं आया। मैं दोस्त वे बताएं कि तुम जो हंस रही हो ना, जो घटना है यह कोई खेल नहीं है, यह एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बोलते हैं कास्टिज्म, जातिवाद, छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी। तो यह क्या है, अगर वह पोल्यूट आदमी का शरीर में टच हो जाता बधाई का थैला, तो वह बधाई गंदा हो जाता, पोल्यूट हो जाता, और जब गंदा पोल्यूट उसको देता तो जो राजा या जो हेड था, लैंडलॉर्ड था, वह उसको मार के चाबुक से एकदम पूरा बेहाल कर देता, समझिए तो बहुत बुरा करता उसके साथ। तो ये समझिए कि ऐसा घटना, इसका तो माइंड चेंज हो गया, गजब 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 है। हम लोग तो ऐसा सोचे भी नहीं होंगे, मतलब क्लास थ्री का स्टूडेंट थी, जितना सोच सकती थी उस टॉपिक पे सोची। तो बोली भैया को तो गलत है, हम लोग मान ली लोअर कास्ट को है तो हम लोग काम करते हैं उसके लिए हम लोग को वेजेज मिलते हैं, तो वेजेज मिले तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग उनके बंधुआ जो मजदूर होते हैं वैसा काम करेंगे। तो बोलती कि नहीं, हम लोग ऐसे ही हैं, और हम लोग जब इसको कब ख़त्म करेंगे, जब हम लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे ना, पढ़ के जब अच्छा करेंगे ना, तब हम लोग के धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत डीप में भैया इसको समझाते हैं सब बात को, तब जो बामा का माइंड में चलता है कि अरे बाप रे बहुत ही डेंजर चीज़ है, और वह वहाँ से उनका माइंड चेंज होता है, पढ़ना स्टार्ट करती है, मन लगा कर पढ़ना स्टार्ट करती है। भैया बोलते हैं कि देखो अपना घटना बताते हैं भैया कि एक बार की बात है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो आते जाते रहते थे यूनिवर्सिटी से, बुक वगैरह लाइब्रेरी वगैरह जाते थे, तो वहीं से आ रहे थे ना, तो एक बार एक मैंने कोई अनजान ऑफिसर वगैरह होगा तो वही उनसे पूछ रहा था, उनका नाम पूछा, नाम नहीं पूछना चाहता था जाति, लेकिन डायरेक्ट जाति नहीं ना पूछेगा, नाम पूछा, नाम बता दिया ना, लेकिन नाम से उसको पता नहीं चल पाया, तो फिर पूछा कि कौन से मोहल्ला में तुम रहते हो। मोहल्ला होता है कि मोहल्ला में कास्ट अलग अलग रहते हैं ना, एक गाँव में तो अलग अलग मोहल्ला बन जाता है, तो मोहल्ला से क्या पता चल जाता है कि कौन सा कास्ट है, मैंने कास्टिज कास्ट के बारे में पूछना चाहता था। ये भी घटना बताते हैं, तब इसका जो बामा का माइंड में लगता है कि एजुकेशन ही ऐसा पावर है। भैया बताते हैं कि वर्क हार्ड एंड लर्न एंड मूव अवे, मतलब कि आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और हमेशा निकलो, टॉप करो, फर्स्ट करो, और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करती है, मन लगा कर पढ़ती है और टॉप करती है क्लास थ्री में। उसके बहुत सारे फिर दोस्त बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे एजुकेशन उसका लाइफ में चेंजिंग आने लगता है, लास्ट में नोबल लिखती है बामा ना। तो भैया जो उसके माइंड को हटाएं, सिस्टम को ख़त्म किए, बताएं कि ये सब एक कास्टिज्म जातिवाद व्यवस्था है, इसमें हंसना नहीं, इसको ख़त्म करना है, और ख़त्म होने एजुकेशन से कर सकते हैं, तो वही एजुकेशन के जरिए ख़त्म हुआ। कितना बुरा, कितना मतलब छुआछूत, हम इसको टच कर देंगे तो गंदा हो गया। हम भी मानव हैं, तुम भी मानव हो, जातिवाद कौन बनाया पता है ना, हम लोग ही बनाए हैं, हम लोग का पूर्वज, काम वर्क के अनुसार, कोई लोहा का काम करता है लोहार, कोई लड़ाई करता है राजपूत, कोई जमीन का लेन देन जो होता है ना सब क्या होता है वैसा बोलते हैं लालाई से होते हैं, भूमिहार लोग होते हैं, भूमि जिसके पास होता है। तो यह सब जो बांटा गया है, हिस्ट्री में सब पढ़िएगा मिलेगा, शिक्षा में पढ़ते ही होंगे, तो यह सब काम के अनुसार बांटा गया ठीक है। कोई बिजनेस करता है तो उसको अलग, कि व्यापारी जो हो गया जो सेठ लोग होता था, तो ये सब हम लोग बांटना है, हम ही लोग ख़त्म करेंगे, और ख़त्म हम लोग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इसका थीम वही था, और थीम था कि हम लोग भी जो है ना लोअर कास्ट के, हम लोग भी मानव हैं, हम लोग को भी दर्द होता है, दुख होता है, हम लोग को क्या होना है कि अत्याचार नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी सुविधा दे दिया है, लेकिन फिर भी आज पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ जाती बात, ख़त्म करेंगे हम लोग, शपथ लीजिए ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे और सबको इक्वलिटी समानता लाएंगे खुद से। तो यही समरी था मेरे दोस्त, इसका नोट्स मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाएगा नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, एंड समरी वाइज यही हम ख़त्म किए चैप्टर को, बस कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना है मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, एंड तूफान मचा दीजिए।